जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में रवीश रंजन ने पदभार ग्रहण रविवार को किया। इस दौरान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। वैसे इस दौरान एसोसिएशन के तमाम पूर्व अध्यक्ष एवं होटल एवं रेस्टोरेंट व्यापार से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे राजीव दुग्गल ने एसोसिएशन का मेडल देकर नए अध्यक्ष रवीश रंजन का स्वागत किया। वहीं तमाम सदस्यों ने मंत्री बन्ना गुप्ता का भी स्वागत किया, जहां उन्होंने होटल एवं रेस्टोरेंट से जुड़े समस्याओं से मंत्री बन्ना गुप्ता को अवगत कराया। वहीं इन्होंने होटल बिजनेस को इंडस्ट्री के रूप में विकसित करने में झारखंड सरकार के सहयोग की अपील भी मंत्री बन्ना गुप्ता से की। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की, साथ ही उनके द्वारा रखे गए समस्याओं को राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर उसका निदान करवाने का भरोसा सभी को दिया। ये आज मैं आया था होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के स्थापना समारोह में, और मैं इनको बहुत बधाई देने आया हूँ। और इनकी मांग बहुत जायज है, एक तो होटल को इंडस्ट्री का दर्जा मिले, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जमशेदपुर को ग्रेटर जमशेदपुर के रूप में भी बदलना होगा। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, नई नई व्यवस्थाएँ खड़ा कर रहे हैं, और अभी उन्होंने पर्यटन का क्षेत्र कैसे राज्य में समृद्ध हो, इसके लिए दो दिन पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक बड़ा सेमिनार हुआ है। और मैं भी यहाँ लोगों से ये निवेदन करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ कि आइए हम सब मिलकर इस झारखंड भगवान बिरसा को सवारे जो जल जंगल जमीन पर से आच्छादित है, और यहाँ ये इतना बढ़िया वातावरण है कि एकदम रमणीक है, तो उसमें यदि हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग उसमें उसके साथी बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे राज्य की समरसता और समृद्धि के, तो राज्य और उन्नति समृद्धि करेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देने आया हूँ, और भाई हमारे रवीश रंजन जी को बहुत बधाई देने आया हूँ। वो नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं, उनकी पूरी नई टीम बनी है युवाओं की, और बहुत खुशी है कि युवाओं की टीम के साथ जो है उनके ऊपर में उनके जोश के साथ पोस्ट की भी एक टीम है, जो उनके पूर्व के बड़े लोग हैं, रोनी डिकोसा साहब हैं, राजीव दुग्गल साहब, स्मिता पारिक जैसे लोग जिनका गहरा अनुभव है इस व्यवसाय में, तो उनका लाभ इनको मिलेगा और ये संस्थाएं आगे बढ़ेंगी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।